नमस्कार दोस्तों, समय शिव कुमार दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा ट्रेन रद्द होने पर हमारा टिकट का पैसे पूरा क्यों नहीं मिलते, जितना कटता उतना क्यों नहीं मिलता है। दोस्तों टिकट किराया हमारा पूरा मिल जाता है, जैसे हो गया देखिए, जैसे ट्रेन रद्द होने पर, देखिए ट्रेन यहाँ पे कैंसिल दिखा रहा है ना, अभी जल्दी कैंसिल हुआ है ट्रेन। गंगा सतलुज ये भी आज तक कैंसिल था, लेकिन कल से ये भी ट्रेन है डेली रनिंग करेगी। देखिए यहाँ पे जो आवाज नहीं आ रही क्या, देखिए यहाँ पे जो 215 लिख रहा है, हमें यही पैसे मिलेंगे ट्रेन कैंसिल होने पर, हमें यही पैसे मिलेंगे। इसमें जो GST चार्ज होता है, GST चार्ज, ये सब पैसे वापस नहीं आते हैं। मैं आगे की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पैसेंजर डिटेल पे आ जाते हैं। देखिए पैसेंजर डिटेल पे आइए, एग्री करने के बाद जैसे पूरा हम ये ऐड पैसेंजर क्लिक कर दो, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे नीचे। यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, सिटी ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है, अगर हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कटा रहे हैं तो उसकी फीस होगी ₹15 एक्स्ट्रा चार्ज। ये जो ₹15 एक्स्ट्रा चार्ज है ये हमें नहीं मिलेंगे, प्लस GST चार्ज इसमें होता है अलग से ₹15, ये प्रति टिकट प्लस GST चार्ज। देखिए उसके बाद हम देखिए यहाँ पे हमारा सब जोड़ के यहाँ पे दिखा दिया है कितने रुपए काट रहा है। दोस्तों जितना टिकट किराया होगा वही हमें पैसे वापस मिलेंगे और नहीं मिलेगा। देखिए अगर 215 है तो 215 ही मिलेगा। देखिए टोटल मिला के ₹255 हो गए थे, इसलिए आपको पूरा पेमेंट नहीं मिलता है ट्रेन कैंसिल होने पे, जो कि पूरा मिलना चाहिए, ये नहीं मिल रहे हैं। जो सर्विस चार्ज है वो भी काट लेते हैं, प्लस GST चार्ज है, हमें वापस नहीं मिलता। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।